नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हम आपको अपडेट लगातार कर रहे हैं। दोस्तों अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आई है सुशांत सिंह राजपूत को हो रही देरी में। जो सुशांत सिंह राजपूत पे हो रही कार्रवाई है या जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसको लेकर मैं आज आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें हाथ है किसी और का नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रिया चक्रवर्ती के ने की एक चालाकी की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने में देरी हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या किया जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत को अब न्याय नहीं मिल पा रहा। दोस्तों आपको याद होगा कि जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो रही थी एनसीबी के द्वारा, तो उन्होंने एक केस दायर किया था सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर्स पर, उनकी बहनों पर, उनकी फैमिली पर। जी हाँ दोस्तों, ये केस था बेसिकली उनको प्रिस्क्राइब की गई दवाइयों के बारे में। दोस्तों रिया ने बहुत चालाकी से जेल जाने से पहले ये मुकदमा दायर कर दिया था जिस पे उनके डॉक्टर्स, उनकी बहनों का नाम लिखा गया था, जिसकी वजह से ये पूरे केस में अब वो एंगल भी चल रहा है जिस वजह से अब देरी हो रही है। दोस्तों ये रिया चक्रवर्ती की चालाकी ही है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के पूरे जस्टिस वाली लड़ाई में देरी हो रही है। रिया चक्रवर्ती ने बहुत चालाकी की और एक नया एंगल डाल दिया, एक नया केस डाल दिया, जिस वजह से इस पूरे केस में अब समय और ज़्यादा लग रहा है और सीबीआई की रिपोर्ट जो नवंबर तक आ जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आ पाई है। नेक्स्ट टाइम लाइव से आकाश की रिपोर्ट।